गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके बीच। आज एक नया सेशन स्टार्ट करने के लिए आया हूँ। एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था, प्री एग्ज़ाम, उसका जो क्वेश्चन है आज से मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सबसे ईजी शिफ्ट था वो 23 सेप्टेम्बर का सेकेंड शिफ्ट था। तो आज पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे, लेकिन एक दिन में पूरा नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं जितना हो सके मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप। द एस्टिमेटेड आर्ट वर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड फॉर टोटल सेंटर लेंथ इज इक्वल टू 40.10 मीटर, ब्रेड 1.10 मीटर एंड डेप्थ 1 मीटर। तो इसको हम इसका जो है वॉल्यूम मांगा है, तो इसका आंसर होगा 40.10 × 1.10 × 1। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा आपका वैल्यू जो आएगा 44.11 क्यूबिक मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्रॉस स्लोप गिवन द पेवमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज ऑफ वाटर। ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम लोग जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं हाईवे के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कैम्बर कहते हैं। और शोल्डर किसको कहा जाता है, शोल्डर जो रोड के साइड में दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉयल इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको टील भी कहा जाता है और ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। तो इसको इस क्वेश्चन को डाउट था, इसलिए जो जिन लोगों ने चैलेंज किया था उसके बाद इसमें आपका एसएससी ने एक नंबर सबको बोनस में दे दिया, मतलब क्वेश्चन को मतलब एक नंबर सबको बोनस में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इन ए जियोटिक सर्वे द सर्वे ऑफ अर्थ इज कंसीडर, किसको कंसीडर करते हैं, कर्व को कंसीडर करते हैं हम लोग। तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटी डैम। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किसमें हम स्क्वायर मीटर लेते हैं, पॉइंटिंग और को हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं, और जो बाकी सब है जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया मीटर क्यूब में लेते हैं, उसका सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन वो भी मीटर क्यूब में लेते हैं, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल वो भी हम मीटर क्यूब में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज, इसका कलर जो होता है ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ए लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ लोड फैक्टर इज नोन एज डिजाइन लोड, उसको डिजाइन लोड हम कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 4 है, प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। ए फ्लूइड व्हिच हैज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, उसको हम रियल फ्लूइड कहते हैं, मतलब जो आपका विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन A30 ग्रेड बिटुमिन ए स्टैंड फॉर आसाम, फ्री सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट सेटलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ए फॉल इज कंस्ट्रक्शन टू डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मे बी अबाउट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो 10% होता है। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट
डायग्राम गिव्स, बेंडिंग मोमेंट क्या देता है आपको, शियर फोर्स देता है, जैसे कि हम डी एम बाई डी एक्स करेंगे तो हमें शियर फोर्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ए रेल इज नोन एज, इसको हम क्रीप ऑफ रेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फॉर पीक वर्क और प्रोजेक्ट द परसेंटेज एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट फॉर द परचेस ऑफ टूल्स एंड पेंट्स इज, इसको जो होता है रेंज होता है 1 to 1.5%। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। द डायमीटर ऑफ द सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट, इसके लिए आपका 425 माइक्रोन आपका यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फॉर ए सर्कुलर कॉलम विथ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ए कॉम्प्रेसिव लोड डब्ल्यू एट एन एसेंट्रिसिटी ई, द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ सेक्शन इज, इसका आंसर D/4 आपका होगा। 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट फॉर शेयर और हैंड फ्लेम कवरेज इज 1.7 टाइम द होल डायमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द गेज प्रेशर डायटमोस्फेयर प्रेशर ऑन द स्केल मार्क एज, इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द डिस्पोजल ऑफ स्किन इज डन बाय, आपका ऑप्शन नंबर डी इंसिनरेशन, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विंड लोड एनालिसिस कैन बी डन बाय, आपका ऑप्शन नंबर 4 Part 3 होगा। अगर Part 1 होता तो Part 1 में हम लोग डेड लोड और IS 875 Part 2 में हम लोग लाइव लोड को करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। व्हेन बिटुमिन इज अलाउड टू पेनेट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर इट इज कॉल्ड, इसको हम फुल ग्राउट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। इन मेसनरी नो डिडक्शन मेड फॉर, आपका इसका आंसर 4 होगा। ओपनिंग इज अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कॉन्क्रीट सो दैट कॉन्क्रीट डेवलप हार्डेंड प्रॉपर्टीज ओवर टाइम इज फॉर, इसको हम क्यूरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज कॉल्ड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सरफेस्ड वेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्टेंथ होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। गंटर्स चेन इज मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग होता है, 20.12 मीटर लॉन्ग, और इसके कुछ बात जान लीजिए। जैसे गंटर चेन में आपका 66 फीट लेंथ रहता है और आपका स्वॉलिंग रहता है, याद रखिएगा। तो चलिए आज यहाँ पर वीडियो को एंड अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक आज रहने दीजिए। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। पूरा SSC का जितना भी टोटल 4 शिफ्ट में सिविल का एग्जाम हुआ था तो टोटल 4 शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपको आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और आप लोगों के दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प मिल जाए।